वट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री ये कंट्री के अंदर कौन से गुड्स और सर्विसज होनी चाहिए ये हमारे देश में ये कौन सी जो सामान है वो कौन से होने चाहिए जो सर्विसेज हैं वो कौन सी होनी चाहिए वो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है एंड हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस और जो सामान हैं या जो सर्विसेज हैं उन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि शुड प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर यूज़ मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स कि क्या प्रोड्यूसर को ज़्यादा ह्यूमन लेबर इस्तेमाल करनी चाहिए या मशीन यूज़ करनी चाहिए थिंग्स को बनाने के लिए प्रोडक्शन करने के लिए अगर मशीनें ज़्यादा यूज होंगी तो जो ह्यूमन लेबर है उसे कम मिलेगा रोजगार उनके लिए कम हो जाता है तो उसके लिए जो मशीनें उन्हें चलाने के लिए स्किल लेबर ही चाहिएगा तो सब है उसके अंदर क्वेश्चन पुटअप होते ही है तो दो तो क्वेश्चन अभी तक हमने किए कि क्या सर्विसेज और गुड प्रोड्यूस होना चाहिए और वो कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए क्या उसके लिए ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाए या जो कैपिटल हमारे पास मशीनरी है उसको हम यूज़ करें उनके प्रोडक्शन के लिए एंड थर्ड क्वेश्चन ईयर इज हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए पीपल के लिए वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तो एक क्वेश्चन जो इनको एक आंसर जो इन क्वेश्चन को आंसर करता है कि जो मार्केट फोर्सेज हैं यानी कितनी सप्लाई और डिमांड है दिस इज द मेन थीम ऑफ इकोनॉमी है कि कितनी है आपकी डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से सप्लाई करना है वो सबसे पहला आपका आंसर था तो इन ए मार्केट इकोनॉमी अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं ऑल्सो कोल्ड कैपिटलिज्म मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिज्म कहा जाता है और ये एक तरीके की इकोनॉमी होती है दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट इज गोइंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम तो फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है यहां पे मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म है ठीक है ओनली दो कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस that are in demand, that is goods that can be sold profitably either in the domestic or in foreign market. ठीक है तो इसका कैपिटलिज्म की जो मेन थीम होती है कि आप सिर्फ उन्ही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जो डिमांड में है ठीक है और क्योंकि अगर डिमांड में है तो हम उसे मुनाफे से बेच सकते हैं चाहे वो हमारी अपनी डोमेस्टिक मार्केट हो या विदेशी मार्केट हो कोई भी तो कैपिटलिज्म का मेन जो यहाँ पे थीम है वो है कि आपको सिर्फ वही कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जिनकी डिमांड है मार्केट में तो इफ कार्स आर इन डिमांड कार्स विल बी प्रोड्यूस एंड इफ बाइसिकल्स आर इन डिमांड देन बाइसिकल्स विल बी प्रोड्यूस कि अगर कार डिमांड में है तो कार बनाइए बाइसिकल है तो बाइसिकल बनाइए इफ लेबर इज चीपर देन कैपिटल मोर लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज एंड वाइस वर्सा अगर लेबर सस्ती है कैपिटल से भी ज़्यादा तो और भी ज़्यादा जो लेबर इंटेंसिव मेथड है प्रोडक्शन के उन्हें यूज़ किए जाने चाहिए इसके अंदर ठीक यूज है यूज़ किए जाते हैं इसमें इसका उल्टा होता है कि अगर ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं लेबर महंगी है आपकी तो आप क्या करते हैं कम लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करते हैं आप उसके लिए फिर देन टाइप नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम का इन्हें कैपिटलिस्ट सोसाइटी की कैपिटल सोसाइटी में द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेस ऑफ वट पीपल नीड बट ऑन द बेस ऑफ परचेजिंग पावर द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेस आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं उन्हें लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि उनकी जरूरत क्या है इस बेसिस पे करते हैं कि परचेजिंग पावर क्या है परचेजिंग पावर क्या बोला जाता है कि एबिलिटी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज कि गुड्स और सर्विसेज को या लेने की काबिलियत तो उसके बेसिस पे उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज वन हैज टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाई इट कि एक के पास पैसा होना चाहिए उसे खरीदने के लिए ठीक है तो वो ऐसे लोगों के लिए बनाया गया कि जिसके पास पैसा होगा वो यूज सर्विसेज और गुड्स को ले सकता है ठीक है चाहे उसकी डिमांड हो या ना हो देन लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच नीडेड बट विल नॉट काउंट एज डिमांड इन द मार्केट सेंस बिकॉज द पुअर डू हैव द परचेजिंग पावर टू बैक द डिमांड ठीक है अब जो लो कॉस्ट हाउसिंग है पुअर की वो सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन जो ये डिमांड है वो मार्केट सेंस में नहीं होती क्योंकि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो उसे एकदम सस्ता नहीं कर सकते ठीक है जो मेन परचेजिंग पावर है वो तो होनी चाहिए ताकि वो डिमांड को बैकअप किया जा सके एज ए रिजल्ट दिस कमोडिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड एज पर मार्केट फोर्सेस तो जो ये कमोडिटी यानी घर वगैरह बना के उसे आप इस तरह प्रोड्यूस नहीं कर सकते और सप्लाई नहीं कर सकते मार्केट फोर्सेज के अकॉर्डिंग वो होगा आपका इसके अकॉर्डिंग होगा वो परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग होता है तो सच इस सोसाइटी डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर इट मीन दैट द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री वुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट अ चांस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ लेकिन जो इस तरीके की सोसाइटी थी वो हमारे प्र, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उनको ये पसंद नहीं आया था क्योंकि जो ज़्यादातर जो मेजोरिटी है पीपल की वो उससे अछूते रह जाएंगे यानी परचेज वही खरीद पाएगा तो इसीलिए तरक्की उसकी होती चली जाएगी जिसके पास परचेजिंग पावर है और जो दूसरे लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं है एग्जाम्पल्स आर देयर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अस देन कम्स अ सोशलिस्ट सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी क्या कहते थे कैपिटलिस्ट हमने समझ लिया देन देने सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर्स द थ्री क्वेश्चन इन्हें टोटली डिफरेंट मैनर जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो इन तीनों क्वेश्चन को अलग तरीके से बताती है इन्हें सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड वट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस इन अकोर्डिंग इन अकोर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी जो सोशलिस्ट सोसाइटी है हमारी उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो कौन सा गुड्स हम बनाएंगे और जो सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता हो इट इज़ एज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज वाट इज़ गुड फॉर द पीपल ऑफ़ द कंट्री एंड सो द डिज़ायर्स ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंट तो ये मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट अपने जो देश है राष्ट्र है उसके लोगों का भला खुद जानती है तो इसलिए और वहाँ पे जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है उनकी जो इच्छाएं हैं उनका कोई मायने नहीं रखता द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड और गवर्नमेंट ही तय कर, करती है कि गुड्स कैसे बनाने और कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन वट पीपल नीड एंड नॉट ऑन वट दे कैन अफोर्ड टू परचेज ठीक है जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोशलिज्म में वो ये माना गया कि जो लोगों को जरूरत है वो देना है वो नहीं कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते सो अनलाइक अंडर कैपिटलिज्म फॉर एग्जाम्पल अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू ऑल इट्स सिटीजन। कैपिटलिज्म में तो जो महंगी हेल्थ केयर है वो सिर्फ कौन ले सकता है जिसके पास में पैसा है परचेजिंग पावर है लेकिन सोशलिस्ट में वही फ्री हेल्थ केयर पूरे सब सिटीजन्स को दी जाती है वो स्ट्रिक्टी ए सोशलिस्ट सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सीन्स एवरीथिंग इज ओन्ड बाई द स्टेट और स्ट्रिक्टली जो एक सोशलिस्ट सोसाइटी होती है उसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि सब किसने ऑन कर रखा होता China, example, example, है स्टेट ने इन क्यूबा एंड चाइना क्यूबा और चाइना में फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न बाई सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्यूबा और चाइना में फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसे कौन गवर्न कर रहा है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के द्वारा ही वो गवर्न होती है जैसे क्यूबा और चाइना में

आंसर करते हैं तीनों क्वेश्चन को कि क्या प्रोड्यूस होना है कैसे होना है और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है मार्केट विल प्रोवाइड वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल तो मिक्स इकोनॉमी में मार्केट वो गुड्स देगी आपको सर्विसेज जो सही से प्रोड्यूस हो सकते हैं एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू और गवर्नमेंट वो सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि जो मार्केट आपको नहीं दे पाता है तो इस तरह से तीन तरीके के हमने पढ़ी कैपिटलिस्ट पढ़ा दूसरा सोशलिस्ट सिस्टम और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ा ये तीन तरीके के सिस्टम होते हैं